बिहार में जंगली कुत्ते से लोग परेशान, 23 लोगों को किया घायल, 20 घायल हुए बंगाल रेफर। कटिहार के कदवा विधानसभा क्षेत्र के जाजा पंचायत में जंगली कुत्ते से लोग परेशान हैं। जंगली कुत्ते ने लगभग 23 लोगों को घायल कर दिया है, जिसमें 2 घायल सदर अस्पताल आए हैं इलाज के लिए, तो शेष 21 को बंगाल रेफर किए गए हैं। घायल के परिजन ने बताया कि जब कुत्ते ने गांव के लोगों पर अटैक किया तो कुछ लोग उसे बचाने गए। बचाने के दौरान जंगली जानवर ने उन्हें भी घायल कर दिया। ऐसे ही इस बात की जानकारी जनसुराज के नेता डॉक्टर एम आर हक को मिली तो उन्होंने सत्यनारायण शर्मा, गाजी शरीक, विक्टर झा के साथ कटिहार के सदर अस्पताल पहुंचे, जहां बताया कि जंगली जानवर अगर किसी इंसान को घायल करता है तो जो इंजेक्शन दिया जाना चाहिए वह इंजेक्शन सदर अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। जरा सोचिए कि शहर में अगर आप लेट नाइट घर आ रहे हैं, वो भी पैदल, तो कोई पागल जानवर अगर सड़क पर मिलेंगे। क्या मामला है, कुत्ता कैसे काटा है? देखिए सर, उन लोग मामला कबैया में, गांव में हुआ था। कुत्ता आ करके गांव में, समाज में सारा मांस को काट लिया है। 22 लोग को भेज दिए हम लोग कलकत्ता। मेरा पति है, ये लोग को मारने के, दूसरे को काटने गया है, ये लोग पकड़ मानना जाता है कि बस इसको धर लिया है कुत्ता। क्या कर रहे थे? कुछ कर रहे थे? हाँ, कुछ काम नहीं, बचाने किए थे दूसरे को। हाँ, दूसरे को बचाने किए थे। मेरा चचिया से उसको बचाने गया था, इसको बस जांग में खम्मच मार ली है। जांग में खम्मच मार के उन लोग बस कुत्ता को कान पकड़ करके उन लोग गिर गए थे। गिर गए करके दूसरी हाथ पर फिर काट लिया है कुत्ता। काट लेता सब बच्चा, गांव समाज का मानस, गांव एकदम कन तक ककुआट ककुआट करवा शुरू कर ले सबको। वही वैसे होना धरे लौटे ने सबको घिसे अंगना डाल ले, कुत्ता कोई मई ले सब गांव। कितने लोग आए हैं अस्पताल? अबला 7 जन हम लोग आए थे। दो मानुस। कितने को काटा कुत्ता? अबला 2 मानुस काटा है, 20 मानुस, 22 मानुस भेज दिए हैं कलकत्ता। टोटल 22 है। हाँ, आपका नाम क्या? मेरा नाम अरशद खातून, मेरा पति है। आपके विधानसभा क्षेत्र में कुत्ते के आतंक से लोग त्राहिमाम में परेशान हैं, क्या कहते? देखिए, अभी जो है मुझे सूचना मिली कि आज सुबह बल्कि लगभग 23 आदमी को, जो हमारे कदवा प्रखंड का परलावाड़ी गांव है, सवनपुर गांव है, कुरेला है, बोबड़ा है, कबैया है, कुजीवना है, 23 आदमी को इस तरह का आतंक, ऐसा लग रहा था कि ये कुत्ता नहीं हो बल्कि कोई शेर हो, लोगों से काबू नहीं हो रहा है, वो शेर घुस आया हो और ये कुत्ते की शक्ल में जो शेर बन गया और इस तरह से लोगों को घायल कर दिया, 23 आदमी को घायल किया, उसमें से लगभग 22 आदमी जो इमीडिएट तौर पे जो यहाँ सदर अस्पताल यहाँ पे आए, आपका दुर्गागंज अस्पताल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, फिर वहाँ पर विडम्बना देखे कि वहाँ टीटी लगाया और उन लोगों को वहाँ ARB नहीं लगा, फिर उन लोग वहाँ से ARB के लिए वहाँ आजमगढ़ अस्पताल गए, आजमगढ़ वाला अस्पताल में ARB लगा और फिर उनको एमिनोग्लोबिन जो कि इमीडिएटली प्रोटेक्शन के लिए चाहिए था वो लगाने के लिए, चूंकि 3rd degree उंड है सबको, तो इस हालात में जो रेबीज का जो आर आई एमिनोग्लोबिन होता है, रेबीज एमिनोग्लोबिन वैक्सीन, तो उसको इमिडिएटली चाहिए था, उसके लिए वहाँ पे वहाँ आजमगढ़ हॉस्पिटल वालों ने रेफर किया सदर अस्पताल। लेकिन विडम्बना देखिए, 2 बजे से मरीज जो है यहाँ भटक रहा है, कोई इनका सुधी लेने वाला नहीं, कोई डॉक्टर नहीं देख रहा है इनको। और मुझे जैसे ही खबर मिली तो मैं यहाँ पर आया और मैं अपने सारे साथियों के साथ, मैं अपने जनसुराज के सदस्यता सत्यनारायण शर्मा जी, डॉक्टर गाजी शरीक, हमारे विक्टर झा, मुस्तफ़ा भाई, सबको मैंने इमीडिएटली कॉल किया, प्रेस के आप लोगों को मैंने इन्फॉर्म किया और मैं यहाँ आया। अभी यहाँ आने के बाद हमारे जो OPD के डॉक्टर साहब से थे, उनको मैं पूछा गया, सर इनको देखा जाए, सुबह 2 बजे से मरीज भटक रहा है, इतना सीरियस केस है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको अगर इम्यूनोग्लोबिन नहीं लगता है तो ऐसे पेशेंट को अगर वो 100% अगर हाइड्रोफोबिया हो गया तो 100% मृत्यु तय है। कुछ होता है, जिम्मेदार कौन होंगे इसके? जिम्मेदार अगर कुछ होने का, अगर इम्यूनोग्लोबिन नहीं लगा तो प्रशासन की लापरवाही है। ये आप सोचिए कि इस तरह से अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इम्यूनोग्लोबिन नहीं मिलेगा, अब कुछ लोग जाके बंगाल में लगाए, जबकि बंगाल में वहाँ अवेलेबल है, अरे बिहार में हमारे अवेलेबल नहीं है, तो ये तो हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालात है।
तो ये इस तरह से मैं मांग करता हूँ कि लोगों को इस तरह से जो कष्ट हो रहा है, हर अस्पताल में, हर प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अमाइनोग्लोबिन की व्यवस्था इमीडिएटली की जाए, और साथ साथ जो स्ट्रीट डॉग है नगर निगम में हो या चाहे देहाती इलाकों में, उनको पकड़ करके पकड़ा जाए और उनका ट्रीटमेंट कराया जाए। मेरा नाम डॉक्टर एम आर है, मैं कदुआ विधानसभा से हूँ। देखिए, कुत्ता काटने के बाद दो तरह के इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। जो सामान्य रूप से आवश्यकता होती है वो वैक्सीन है, जो लंबे समय में काम करती है और उसको काम करने के लिए कम से कम 4 सप्ताह का समय चाहिए होता है। तो हम लोग ऐसे कुत्ते के लिए वो लगाते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता होता है कि वो कुत्ता में वो रेबीज वायरस है या नहीं है। लेकिन जहाँ ये कन्फर्म है कि वो रैबिड कुत्ता है या उसके लक्षण ऐसे हैं, पागल कुत्ता है या लगातार कई लोगों को काट रहा है या नॉन वैक्सीनेटेड है या ऐसा कुत्ता है जो काटने के बाद विलुप्त हो गया, नहीं पता चल रहा, उसको हम वॉच नहीं कर सकते हैं, और गहरा काटा है, उसमें कैटेगरी होता है, तो उंड का कैटेगरी अगर 3 है तो उसमें एक और इंजेक्शन लगाना पड़ता है जिसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, जो तत्काल उसी समय वायरस जो घुसता है उससे लड़ने में सक्षम होता है। क्योंकि 28 दिन में अगर वायरस उसमें प्रचुर मात्रा में है तो 28 दिन में जो वैक्सीन काम करेगा उससे पहले इस पेशेंट का और इस व्यक्ति का काम तमाम हो चुका होगा। तो उससे बचाने के लिए ये वैक्सीन आवश्यक है, जिसको RVIG बोलते हैं, रेबीज वायरस इम्यूनोग्लोबुलिन, और वो सदर अस्पताल में होना चाहिए। और दूसरी जो सबसे भयावह स्थिति है, जैसा आज आपने सुना डॉक्टर MR हक साहब के माध्यम से आपको ये पता चल गया कि आज ही एक पंचायत में 23 लोगों को कुत्तों ने काट लिया। आप जब रात में सफ़र करिए कटिहार के गलियों में, तो गलियों में छोड़ दीजिए, पूर्व मेयर अभी तत्काल के बरारी के विधायक, उनके घर के सामने से रात के 11 बजे गुजर जाइए, 50 कुत्ता वहीं पर बैठा रहता है चौक पर। अभी के जो मेयर हैं उनके घर के सामने 50 कुत्ता मिल जाएगा। मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, 100 कुत्ते मिल जाएंगे। और कौन कब भौंकना छोड़ के काटना शुरू कर दे, ये ना आपको पता है, ना प्रेस को पता है, ना सरकार को पता है। लेकिन सरकार को ये पता है कि काटने के बाद ये व्यवस्था आवश्यक है, जो वो नहीं कर रही है। तो इसे 2 मापदंडों पर देखा जाना चाहिए कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उनको कैसे संतुलित किया जाए, उनका निवारण होना आवश्यक है। अक्सर आप देखते हैं कि बच्चों पर हमला कर देते हैं सुबह सुबह, ये लोग बहुत आक्रामक मूड में रहते हैं, और सुबह सुबह बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं और डर से नहीं निकल रहे हैं। बहुत सारे मोहल्लों में लोगों को ये शिकायत है कि हमारे बच्चे खेलने नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो डर रहे हैं। तो सरकार को, प्रशासन को, दोनों को, हेल्थ व्यवस्था को अपने यहाँ के सुधार के लिए कार्य करने की आवश्यकता है, दवाइयों के प्रचुर मात्रा में उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए, और प्रशासन को, जिला प्रशासन को और नगर निगम को भी मैं आग्रह करता हूँ और हाथ जोड़ करके विनम्र विनती करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से इस पर कुछ कार्य किया जाए, नहीं तो ऐसी घटनाएँ लगातार घटने के लिए तैयार बैठी हैं और फिर हम उससे निपट नहीं पाएंगे। और सिर्फ यही एक बीमारी है जिसमें 100% मृत्यु तय है। जनफराज के जिला सचिव डॉक्टर MR हक साहब के द्वारा जानकारी मिली कि कदुआ प्रखंड के झाझा पंचायत में 23 लोगों को पागल कुत्ते ने काट लिए। कुछ गंभीर स्थिति को में कुछ लोगों को कलकत्ता रेफर किया गया है, कलकत्ता भेजा गया है, और उसमें 2 व्यक्ति, एक महिला एक पुरुष, जो काफ़ी सीरियस हैं, उनको, गरीब लोग हैं, वो बाहर जाने की स्थिति में नहीं, उनको कटिहार सदर अस्पताल में 2 बजे दिन में लाया गया था। 2 बजे दिन से वो घूम रहे हैं, अभी तक उनको न एडमिट किया गया है, न उनका फर्स्ट एड किया गया है।